गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड। इससे पहले हमने एक सीरीज शुरू करी थी पीरियोडिक टेबल वाली, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करेंगे कोवलेंट बॉन्ड यूनिट 4th इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर। ओके, तो कोवलेंट बॉन्ड, व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड? द फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड इज व्हेन टू और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल आर मिक्स्ड टुगेदर बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड होते हैं जिनमें म्यूचुअल शेयरिंग यानी कि इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, सो दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज द कोवलेंट बॉन्ड। कहने का मतलब क्या है? व्हेन टू और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल आर मिक्स्ड टुगेदर बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग, जब दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल में म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड का निर्माण होता है, बॉन्ड प्रोड्यूस होता है, दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज द कोवलेंट बॉन्ड। इस तरह के बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे बॉन्ड के फॉर्मेशन से, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड से जो हमारे बॉन्ड बनते हैं उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहले आपको बता दूं। इट इज डिनोटेड बाय द डैश। हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डैश से। ठीक है, दैट मीन्स अगर म्यूचुअल शेयरिंग हमारे पास न्यूज, अब आपको पता है किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में कितने होते हैं? 8 होते हैं। किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल के आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो हमें क्या करना है? म्यूचुअल शेयरिंग से उनका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसमें कितने बॉन्डों का निर्माण हो रहा है, कितने बॉन्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर वो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है यानी कि दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो उनमें जो बॉन्ड बनेगा उसका जो सिंबल होगा क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। ठीक, अगर दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो इट शुड बी रिप्रेजेंट बाय द डबल बॉन्ड। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डबल बॉन्ड से। अगर तीन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड के नाम से जाते हैं। तो आपको पता है वैसे भी केमिस्ट्री में तीन टाइप के बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल द बॉन्ड इज कोवलेंट बॉन्ड, दैट शुड बी रिप्रेजेंट बाय द सिंगल बॉन्ड, दैट शुड बी रिप्रेजेंट बाय द डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड ऑल्सो। ओके, अब हम एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड होते क्या है। हम एग्जाम्पल लेते हैं कुछ एग्जाम्पल जिससे हम कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल ले रही हूं मैं H2, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम O2 और थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं N2। ठीक, फर्स्ट एग्जाम्पल H2, आज H2 का मतलब होगा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कितना होता है? 1s1। H2 बोला है हमने, H2 का मतलब होगा दो हाइड्रोजन, तो फर्स्ट हाइड्रोजन एंड सेकेंड हाइड्रोजन ऑल्सो रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, दैट शुड बी व्हाट? 1s1। अब हमें शो करना है कि इसमें कोवलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और कोवलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है? मैंने आपको बोला कि कोवलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस मींस द आउटरमोस्ट ऑर्बिटल शुड बी कंप्लीटेड, सो दैट मींस अब हाइड्रोजन तो ऑक्टेट कंप्लीट करता है, ये हाइड्रोजन तो एक्सेप्शनल केस है पीरियोडिक टेबल में, पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले वाली वीडियोस में। तो हाइड्रोजन इज एन एक्सेप्शनल केस, सो इट्स सो द टुप्लेट नॉट सो द ऑक्टेट। सो इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है तो ये हाइड्रोजन पूरा हो पाएगा, बट इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में कितने हो जाएंगे? 0। सपोज ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में 0 हो जाएंगे, लेकिन ये 2 हो जाएगा। हमें ऐसा काम नहीं करना है, हमें करना है म्यूचुअल शेयरिंग, जिससे आउटरमोस्ट ऑर्बिटल डैमेज भी ना हो, खत्म भी ना हो और हमारा ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ फर्स्ट हाइड्रोजन टू सेकंड हाइड्रोजन, हम म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे इस हाइड्रोजन की इस हाइड्रोजन के साथ। क्या मतलब है? देखिए, ये हाइड्रोजन है, दिस इज एन हाइड्रोजन। ठीक है, इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1, इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1। सेकंड हाइड्रोजन दैट इज रिप्रेजेंटेड एट दिस वन, इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिटल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1, सो कैन नॉट बी डोनेट द इलेक्ट्रॉन, ये डोनेट नहीं करेंगे, इट्स ऑन द म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग शो करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब हो गया दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, एंड सेम वे द सेकंड ऑर्बिटल आर शेयर विद द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड हाइड्रोजन, दिस इज द न्यूक्लियस एंड शेयर वन। अब हम इसको काउंट करेंगे, देखिए दिस इज द हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ म्यूचुअली शेयर हो रहा है, दिस इज द शेडेड, दिस जो आपको मैं भर रही हूं, दिस पोर्शन इज द कोवलेंट बॉन्ड पोर्शन, ये बॉन्ड कौन सा पोर्शन है? ये बॉन्ड है आपका कोवलेंट बॉन्ड, एंड दिस इज द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटॉमिक ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल और इस इलेक्ट्रॉन ने म्यूचुअल शेयरिंग करी, और ये जो बॉन्ड बन रहा है ये
जो मैंने फिल कर रखा है ब्लू वाले पोर्शन से, दिस बॉन्ड इज नोन एज अ कोवलेंट बॉन्ड. इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, दिस बॉन्ड इज अ कोवलेंट बॉन्ड. सो दैट मींस देयर इज शेयरिंग ऑफ बिटवीन वन एंड वन. दैट मींस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, ओनली वन इलेक्ट्रॉन का. सो दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज द कोवलेंट बॉन्ड ऑफ बिटवीन टू हाइड्रोजन रिप्रेजेंट बाय द सिंगल बॉन्ड. इस तरह का जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा बिटवीन टू हाइड्रोजन में कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड. एंड दिस इज द कोवलेंट बॉन्ड. ये हमारा जो बॉन्ड बना कौन सा बना, कोवलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट बाय द सिंगल लाइन, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन ने दूसरे हाइड्रोजन के साथ म्यूचुअली शेयरिंग करी और शेयरिंग करके उनमें कितना कौन सा बॉन्ड का प्रोडक्शन हुआ, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड का प्रोडक्शन हुआ. सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट बाय द सिंगल बॉन्ड. सेकेंड एग्जाम्पल, नाउ वी टेक द सेकेंड एग्जाम्पल दैट इज O2. हम कौन सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, सेकेंड ऑक्सीजन O2 रिप्रेजेंट बाय द कोवलेंट बॉन्ड. हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड से. नाउ वी टेक द एग्जाम्पल इज O2. नाउ यू नो दैट ऑक्सीजन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 1s2 2s2 2p4. एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का, आपका 8 होता है. ओके, सो सेकेंड ऑक्सीजन ऑल्सो शोन that should be what, 1s2 2s2 2p4, sorry this is 2p4. अब हमें इसमें म्यूचुअल शेयरिंग करनी है. म्यूचुअल शेयरिंग करने का मतलब क्या हुआ आपका, म्यूचुअल शेयरिंग आपका अगर 2 टू 4 ठीक हो गया. अब आपको म्यूचुअल शेयरिंग करने का मतलब क्या हुआ कि आप इस तरह से शेयरिंग करेंगे कि इनका ऑटोमोस ऑर्बिटल क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए. ठीक, तो हम इसको प्राइम फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सीजन. That should be what, 1, 2, 3, 4. This is the nucleus, ये हो गया oxygen. Same way, second oxygen, ठीक है, okay, 1, 2, 3, 4. Second oxygen में शुरू करते हैं. Mutual sharing का मतलब मुझे इसमें कितना करना है, हमें इसमें पूरा करना है, 4 को कितने में convert करना है, इसके भी outer most orbital में कितने electron लाने हैं, 8 लाने हैं, इसके भी outer most orbital में 8 electron लाने हैं. अब इसका मतलब ये नहीं कि 8 लाने के लिए आप 4 electron यहाँ से वहाँ donate कर दोगे और इसके 4 electron यहाँ से वहाँ donate कर दोगे. ठीक है ना, आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, आपको ये देखना है कि किस तरह से इनके ऑर्बिटल की शेयरिंग पूरी हो. ठीक है, चार है आपका ऑप्टिक, ये आपका है चार. अब आपको पूरा करना है इसको, किस तरह से शेयरिंग करोगे कि इसमें बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाए. ठीक, तो शेयरिंग कंप्लीट करने के लिए हमने क्या किया, हम देखते हैं कि इसके कितने हैं आपके, दो. अगर वैसे देखोगे तो ये कितना है आपका, सिंपल वे में ओल्ड वे में ये हो गया आपका छह का मतलब आठ का मतलब टू और सिक्स. ठीक है, इसका कितना होगा, टू और सिक्स. ठीक है, ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग. अब ये देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का मतलब समझते हैं, ये आपका वन एस है अकॉर्डिंग टू अपर प्रिंसिपल और ये आपका टू एस है. तो दैट मीन इसका पैटर्न क्या है, टू सिक्स, और इसका पैटर्न कितना होगा, टू सिक्स. ठीक है, आपका ये तो अपर, ये तो आपका अपर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चला, वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, थ्री एस टू, थ्री पी सिक्स. बट पैटर्न जो है वो आपका कैसे आता है, टू एट 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 पैटर्न चलता है. ओके, सो नाउ दिस इज टू सिक्स एंड दिस इज टू सिक्स. तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 6 है. तो हमने कितने बना दिया, 4, एंड दिस वन इज 5 एंड दिस वन इज 6. हमारे टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, 6. ठीक है, हमारे 6 इलेक्ट्रॉन, आपके हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं आपके, 6 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं. ठीक है, अब आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये थोड़ा साफ नहीं हो रहा, मैं क्लियर कर लेती हूँ. ऑक्सीजन, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स. हमने कितने बनाए थे, 4 बनाए थे ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पैटर्न, बट हमारा जो पैटर्न चलता है 2 8 8 वाला पैटर्न चलेगा. ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए चाहिए 6 है. हमें ऑक्टेट, ऑक्टेट का मीन डुप्लेट केवल हाइड्रोजन बनाता है. मैं कई बार बोल चुकी हूँ, हाइड्रोजन इज द एक्सेप्शनल केस इन द पीरियोडिक टेबल. सो डुप्लेट बनाएगा हाइड्रोजन और सब क्या बनाएंगे, ऑक्टेट बनाएंगे. तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5 6 है, इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6. 6 को ऐड करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन हमें और चाहिए. सो दैट मीन अगर ये 2 दे देता है, अगर आप कहोगे कि ये 2 दे देगा तो इसका तो पूरा हो जाएगा, बट इसमें कितने रह पाएंगे, 4 हो जाएंगे. सपोज ये डोनेट कर देता है तो
तो इसका तो पूरा हो जाएगा, बट इसमें कितने रहेंगे? 4. तो हमें ऐसा काम करना है जिससे इनके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए. सो वी कैन डू द म्यूचुअल शेयरिंग. म्यूचुअल मतलब होगा इक्वल शेयरिंग, जिससे दोनों की शेयरिंग करने से दोनों का ऑर्बिटल क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए. सो हम क्या करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग चाहिए, बस इतना नोटिस करिए. इसके आउटर ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो म्यूचुअल शेयरिंग करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन की. सो दैट मीन्स अब माइंड में यही बस क्लियर हो जाएगा कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है. तो दैट मीन्स इसमें जो म्यूचुअल शेयरिंग होगी कितने इलेक्ट्रॉनों की होगी? 2 इलेक्ट्रॉनों की होगी. सो नाउ वी रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 इन दिस वे. हम इसमें 6 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. दिस इज द न्यूक्लियस. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट ऑक्सीजन. साथ में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने का है आपने? 2. सो 2 का मींस हो गया ये आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 दो इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअल शेयरिंग वाले पोर्शन पे शो करेंगे. तो काउंट करिए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स थे और 7, 8 दो यहां से आ गए, शेयरिंग हो गई. सेम वे इसके कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आ गए. सो दैट पोर्शन इज द कोवलेंट बॉन्डेड पोर्शन. ये पोर्शन पर कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है? 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है. 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? शेयरिंग हो रही है. 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, दैट मींस म्यूचुअली जो शेयर्ड हो रहे हैं, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन के साथ? डबल बॉन्ड के साथ शेयर्ड कर रहा है. सो दैट टाइप ऑफ शेयरिंग इज द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ए डबल बॉन्ड. इसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? डबल बॉन्डिंग हो रही है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और कोवलेंट बॉन्ड बाय ए डबल बॉन्ड. दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ O2. ओके, नाउ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ ट्रिपल बॉन्ड ऑफ द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विच शोन द कोवलेंट बॉन्डिंग, दैट इज N2. हम इसके एग्जाम्पल ले रहे हैं N2 ले रहे हैं, जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मींस कोवलेंट बॉन्डिंग शो करेगा बाय रिप्रेजेंट बाय ए ट्रिपल बॉन्ड. नाउ वी टेक द एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज रिप्रेजेंट बाय द N2. द इलेक्ट्रॉनिक ऑफ नाइट्रोजन इज द एटॉमिक नंबर इज 7 एंड इट शुड बी रिप्रेजेंट बाय व्हाट? 1s2 2s2 एंड 2p3. इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 1s2 2s2 2p3 दैट मींस 2 एंड 5 इससे रिप्रेजेंट करेंगे, 2, 5. And same way, second nitrogen that is also represented by the same way, that is 1s2, 2s2, 2p3. So this is represented by the same way, that is 2, 5. अब starting यही से हो जानी चाहिए. That should be completed for some. 2 आपका octet complete है. Outermost orbital में कितने electron है? 5 electron है. उसको अपना octet पूरा करने के लिए कितने electron की requirement है? 5 है. तो कितने और चाहिए उसको? That is 3. 5 और 3 कितना हो गया? 8. तो दिमाग में यही पर सेट हो जाना चाहिए कि 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है. तो दैट मीन द म्यूचुअल शेयरिंग इज डन बाय द 3 इलेक्ट्रॉन. सो वी टेक नाइट्रोजन फर्स्ट, दैट इज वी टेक द नाइट्रोजन फर्स्ट दैट इज रिप्रेजेंट बाय सर्कल, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5 दैट इज 2 and 5 नाइट्रोजन फर्स्ट. सेम वे प्लस बॉन्डिंग विद द सेकंड नाइट्रोजन, दैट इज आउटरमोस्ट ऑर्बिटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1, 2, 3, 4 and 5 दैट इज 2 and 5 दैट इज नाइट्रोजन नंबर सेकंड. हमने कहा इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होगी तो कितने इलेक्ट्रॉनों की होगी? हमने पहले डिसाइड कर लिए थे कितने इलेक्ट्रॉनों की होगी? 3 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि आउटर मोस्ट बाहर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का मतलब बाहर उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 5 है, 5 है. तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा? 3. अब आप कहेंगे कि 3 यहाँ से यहाँ क्यों नहीं डालेगा? अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन 5 है और 3 अगर ये दे देता है, प्रॉब्लम कुछ नहीं, ये कंप्लीट हो जाएगा. 2 है, 3 ये दे देगा, 5 ये आपका 8 कंप्लीट हो जाएगा. अगर इसने 3 दे दिए तो अपने पास इसके कितने रह जाएंगे? 2 तो ये थे, 3 इसने डोनेट कर दिए, रिमेनिंग कितने रह जाएंगे? 3. दैट मींस ये इनकंप्लीट हो जाएगा. और सपोज ये अगर ये ट्रांसफर करता है तो सेम वे ये तो 2 रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इसमें कितने रह पाएंगे आपका? 2 और 2 रह जाएंगे. तो कहने का मतलब है कि हमें एक तो कंप्लीट हो जाएगा ऑक्टेट, बट दूसरे वाला इनकम्प्लीट रह जाएगा. तो हम ये चाहते हैं कि हम इनका ऑक्टेट कंप्लीट करें, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कोवलेंट बॉन्डिंग. ओके, सो नाउ वी शेयर द इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 3. सो नाउ दैट इज 1, 2, 3, 4, 5. हमने 5 इलेक्ट्रॉन ये शो कर दिए. अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन की करनी है? 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है. सो ये हमने इसमें सेकेंड नाइट्रोजन के कितने 1, 2, 3, 4 एंड 5. ठीक है, काउंट करते हैं. देखिए
फर्स्ट वाले ऑर्बिटल को नाइट्रोजन और दूसरा वाला ऑर्बिटल नाइट्रोजन, पहले फर्स्ट को चेक करते देखिए, 1 2 3 4 5 फाइव तो थी ऑलरेडी, 6 7 8 तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, 6 7 और 8 थ्री इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो 5 ऑक्सी 3 कितने होगा, 8 होगा। अब इस वाले के लिए शेयर चेक करते हैं, तो 1 2 3 4 5 फाइव तो ऑलरेडी थे, और ये तीन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड इलेक्ट्रॉन थर्ड इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ म्यूचुअली शेयर कर रहा है, यानी कि कोवलेंट बॉन्डिंग कर रहा है, और दिस पोर्शन इज द कोवलेंट शेयरिंग पोर्शन, दिस इज द शेयरिंग पार्ट, ये आपका कौन सा पार्ट है, शेयरिंग पार्ट, जो शो करता है कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। सो दैट इज द फर्स्ट नाइट्रोजन, दैट इज द सेकंड नाइट्रोजन शेयर बाय द 1 2 3 थ्री इलेक्ट्रॉन से शेयर कर रहा है। ओके, सो दिस इज द थर्ड एग्जांपल ऑफ द कोवलेंट बॉन्डिंग रिप्रेजेंट बाय द ट्रिपल बॉन्ड। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की कोवलेंट बॉन्डिंग तो हमने सीख ली, तो इसमें आपने देखा, चाहे आपने सिंगल बॉन्ड एग्जांपल देखा, चाहे मैंने आपको डबल बॉन्ड एग्जांपल बताया, चाहे मैंने ट्रिपल बॉन्ड एग्जांपल बताया, बट मैंने आपको ये जो तीन के तीन एग्जांपल बताया, क्या इसके अलावा फोर बॉन्ड भी हो सकता है, तो फोर बॉन्ड नहीं होता है, इसके बाद जो आपके होते हैं हमारे पास केमिस्ट्री में कोवलेंट बॉन्डिंग के केवल कितने एग्जांपल होते हैं, 3 होते हैं, 4 क्यों नहीं होते, क्योंकि 4 की ऑलरेडी शेयरिंग हो जाती है, क्योंकि कार्बन की वैलेंस क्या होती है, कार्बन नाइट्रोजन के बाद कार्बन आता है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो आपका कोवलेंट बॉन्डिंग शो नहीं करता है। बट क्वेश्चन होता है कि कोवलेंट बॉन्ड जो हमारे होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उनकी उनके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बॉन्ड स्ट्रेंथ किस टाइप से होती है, तो हमारी जो आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है हमारी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, तो पहले होती है आपकी ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, फिर आपकी डबल बॉन्ड, फिर आपकी क्या होती है, सिंगल बॉन्ड। ओके, सो दैट इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द कोवलेंट बॉन्डिंग इन सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। बट क्वेश्चन ये उठ रहा है कि ये क्या है, ये तो आपने कहा कोवलेंट बॉन्ड है ये ट्रिपल बॉन्ड का, ये क्या है डबल बॉन्ड का, और ये सिंगल बॉन्ड का, बट जो आपका कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये आपको जितने भी मैंने एग्जाम्पल बताया, N2 H2 O2 Cl2, बहुत एग्जाम्पल होता है, आप करके देखिएगा, एक एग्जाम्पल Br2 C2 एक्सेट्रा, आपके जितने भी CH4 also is the example of the covalent bonding, CH4, C2S6, C2H2, अब ये जो है, ये 3 example जो है, organic chemistry के हैं, carbon based chemistry के हैं, ये सारे example किसके example है, covalent bonding के, but जितने भी example मैंने आपको ये बोले, ये सारे example में देखेंगे, ये आपके non-polar है, this is the non-polar, non-polar का मतलब, इनमें चार्ज नहीं है, these are the chargeless species, इन पे कोई भी चार्ज नहीं है, इनमें इक्वल शेयरिंग हो रही है, आपने देखा इनमें जिनमें भी शेयरिंग हो रही है, इसमें हमने देखा N2 H2 O2, हमने ये तीन तो आपको बताया, उसके अलावा मैं एक एग्जांपल और लेके चलती हूँ आपको CH4, जिससे आपको मैं क्लियर कर दूंगी कि इनमें ये नॉन पोलर है, CH4 में कर रही है, और वो आप कर लेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे, CH4 की बात करेंगे, तो CH4 इसलिए कर रही हूँ क्योंकि CH4 जो है एक कार्बन और चार हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, इसमें चारों आइटम अलग अलग है, तो कार्बन हो गया आपका 1s2 2s2, आपका 2p4, और हाइड्रोजन हो गया आपका 1s1, ठीक है, हमें कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में आपको पता है, ये हो गया आपका 2 कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल आपका आपका सॉरी कार्बन 2p2 हुआ, कार्बन का एटम नंबर 6 हो गया, तो हमें पता है कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, और उसको 4 और चाहिए, और हमारे पास जो एग्जांपल है CH4, इसमें 4 हाइड्रोजन है, यानी कि पहला हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, दूसरा हाइड्रोजन उसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तीसरा हाइड्रोजन उसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, और चौथा हाइड्रोजन उसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, और वो डोनेट हो जाएगा, तो हाइड्रोजन की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, इसलिए हाइड्रोजन कभी भी जब कर रहा है तो हमारे क्या कह रहा है, शेयरिंग कर रहा है और अपना डुप्लेट बना रहा है, अगर हम CH4 को लेके चल रहा है तो दिस इज द सी, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 एंड 4, और 4 हाइड्रोजन लेके चल रहे हैं, एक हाइड्रोजन शेयरिंग कर रहा है, दूसरा हाइड्रोजन शेयरिंग कर रहा है, तीसरा हाइड्रोजन भी शेयरिंग कर रहा है, और चौथा हाइड्रोजन भी शेयरिंग कर रहा है, तो आप देख रहे हैं चारों हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल मिला के कितने हो गए, इसके कार्बन के 8 हो गए और हाइड्रोजन के कितने हो गए,
आपके दो हो गए, कार्बन के हाइड 8 हो गए, हाइड्रोजन के कितने हो गए 2, इसके भी 2, इसके भी 2 और इसके भी 2 कंप्लीट हो गए, और इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, तो ये CH4 इज द एग्जांपल ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। तो ये जो एग्जांपल थे सबके सब क्या थे, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग के थे, किसके थे, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग के। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसके बाद कोवलेंट बॉन्डिंग नॉन पोलर ही नहीं होती है, पोलर भी होती है, तो मैं कुछ एग्जांपल आपको पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग के बताऊंगी, और साथ साथ आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डबल बॉन्ड, दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है। सो दिस इज द पार्ट वन ऑफ द कोवलेंट बॉन्डिंग। ओके, मैंने सिर्फ यहाँ तक आपको नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करा है इन ए डिफरेंट स्पीसीज ऑल्सो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नॉन सॉरी पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग ऑफ द कंपाउंड। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।